फाइनली हैव रीच टू काला चश्मा और ये बड़ी मज़े की जगह है। अभी तो मैं सिर्फ आई हूँ तो मैं बाइक पार्क करती हूँ और इर्द गिर्द देखती हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ है। वैसे तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ सुपर ब्यूटीफुल। मैं ऊपर आपको कह रही थी ना कि दरिया के पास मैं कोई जगह ढूंढती हूँ जहाँ मैं उसके करीब जा सकूँ, तो आप देखेंगे काला चश्मा एक ऐसा पॉइंट है जो कि बिल्कुल दरिया के साथ है और यहाँ पर उन्होंने सिटिंग प्लेसेस बनाई हुई हैं और यहाँ पर कुछ ख़वातीन जो हैं वो भी आपको मौजूद नज़र आएंगी, नॉट लाइक लेडीज़। बेसिकली यहाँ पर और भी बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। तो अभी बस बाइक करती हूँ पार्क और अपने इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करते हैं, इस जगह से लुत्फ उठाते हैं। ये दरिया जिसके अंदर मैं इस तक मौजूद हूँ, दैट्स पंचकोरा रिवर। और जो पंचकोरा रिवर का पानी है बेसिकली दो झीलों की वजह से बन रहा है, एक है शाजोर लेक और दूसरी जो है दैट्स कुंडल लेक। अच्छा, इन दोनों झीलों का पानी जो है एक पॉइंट पे आके मिलता है विच इज़ दो जंगा, और दो जंगा पे दोनों का पानी जो है इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद जो कलेक्टिवली दरिया बन जाता है विच इज़ पंचकोरा, और ये यहाँ से शुरू होता है और ये जा के सवात रिवर के अंदर गिरता है। और ये जो रिवर है इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 200 किलोमीटर्स। और आप नोटिस करेंगे कि जहाँ पे दरिया थोड़ा सा तंग हो जाता है ना, इसकी जो वेट है थोड़ी कम हो जाती है, वहाँ पे इसका प्रेशर बहुत तेज़ हो जाता है। मुझे आइडिया नहीं है लेकिन मुझे इस दरिया की तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, जिससे आपको भी शायद आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे पानी जो है बहुत तेज़ है इस वक्त। लेकिन उसके साथ साथ इसका जो व्यू है ना, दैट्स सुपर ब्यूटीफुल। यू लुक एट द फ्रंट, काला चश्मा है जिसके बारे में मैंने इतना सुना हुआ था और इसको विजिट करने के लिए आई बी नियर फ्रॉम लाहौर। और इसमें कह लें कि कुमराट वाटरफॉल से स्पेसिफिकली एज आई जस्ट टेलिंग यू, तकरीबन मुझे कोई 40 से 50 मिनट लगे क्योंकि बीच में रास्ते में थोड़ा सा रुक भी गई थी। और आप पानी ये देख रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा मूव होता नज़र आ रहा होगा कि पीछे से कहीं से पत्थरों से निकल रहा है, और इन्हीं पत्थरों को अगर आप फॉलो करते हैं और ऊपर जाते जाएँ तो आपको ये पहाड़ नज़र आता है, आपको कहीं से पानी आता हुआ नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ये जो पहाड़ बना हुआ है, ये सारे जो पत्थर हैं इनके नीचे से कहीं से पानी आ रहा है, वी डू नॉट नो फ्रॉम वेयर, और यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, इसका जो पानी है साथ साथ चलता जाता है, तो इसको काला चश्मा कहते हैं। इसके बारे में मशहूर है दैट इट हैज़ द प्योरेस्ट वाटर, और आप जो मिनरल वाटर पी रहे होते हैं ना, देयर नथिंग, कुछ भी नहीं है उससे ज़्यादा इसमें मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ पानी पीने की, यहाँ पे कुछ और चीज़ तो होती नहीं, हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। मीठा और ठंडा, मीठा भी है और बहुत ठंडा है। एनीवे इट्स टेस्टी। मैं काला चश्मा भी मौजूद हूँ लेकिन वेयर एवर आई फाइंड अ चांस टू बी इनसाइड द किचन सो आई गो इनसाइड। तो यहाँ पे भी अंदर चाय बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं, तो मैंने लाला को कहा प्लीज़ मुझे चाय बनाने दें, तो उन्होंने कहा बनाओ भाई हमारा काम भी कम हो जाएगा, सो आई एम मेकिंग टी राइट नाउ। और पकोड़े जो है वो भाई निकाल रहे हैं, साथ में यू कुड सी दैट एज वेल। उबालो पीछे से भाई, साथ साथ इंस्ट्रक्शंस आ, जैसे अम्मी घर में इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है ना, अच्छा नहीं तुमने सही नहीं बनाई, ये कर दिया, कच्ची रहेगी चाय, पूरी पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि उबालो सही से ताकि पके। तो बस ये भी चाय बनेगी और फिर हम चाय पियेंगे, पकौड़े खाएँगे। सो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आपको ये चीज़ की आसानी है कि हाँ आपको खाने पीने के लिए जो है वो प्रॉपरली एक सेटअप मिल जाता है, सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, तो वो मज़ीद आसानी है। और अगर आपको ठंड लगे ना, बेस्ट पार्ट है अब किचन में आ जाएं, क्योंकि बाहर मुझे अच्छी खासी ठंड लग रही थी, अंदर आई हूँ तो सुकून हो गया। मैं तो शाम तक कहीं बैठ रही हूँ, मैं तो नहीं जा रही कहीं पर, ठंड भी दूर जाएगी और आराम से हम चाय भी बनाएंगे और पियेंगे।